एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपना एक छोटा सा शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और सॉरी, मैं दो दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में आ रही थी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, इसी वजह से मैं दो दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए मैं आपको अपना छोटा सा एक शॉपिंग हॉल दिखाती हूँ जो कि मैंने मार्केट से किया है। तो चलिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो हमारा घर है ये अभी हमने कुछ ही टाइम पहले लिया है, तो मैंने इस नए घर के लिए कोई भी शॉपिंग नहीं की थी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब दीपावली आने वाली है, तो दिवाली की शॉपिंग मैंने एक महीने पहले से ही स्टार्ट कर दी है क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो हो सकता है मार्केट ना जाना हो। और मैं आज पूरे 7.5 मंथ बाद ही मार्केट गई हूँ। जब से कोरोना था तब से मैं मार्केट गई ही नहीं थी, और जैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो उसके जस्ट बाद लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग कुछ भी नया परचेज नहीं कर पाए थे। तो अब जैसा कि दीपावली आने वाली है तो मैंने सोचा चलिए कुछ घर के लिए नई चीज़ें परचेज की जाएं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपने नए घर के लिए जो लिए हैं वो कुछ कर्टन लिए हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के हैं ये कर्टन, मेरा ड्राइंग रूम का कर्टन है। अभी तो मैं आपको लगा कर नहीं दिखा पाऊँगी, पर जब भी मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में लगाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उसका वीडियो या पिक्चर शेयर करूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह का फ्लावर प्रिंट का कर्टन है। ये जो कर्टन है ये मैंने लिया है अपने बेडरूम के लिए। अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा तो ये इस तरह का कर्टन है। ये मैंने अपने बेडरूम के लिए और अपने डॉटर के रूम के लिए भी सेम ऐसा ही कर्टन लिया है। ये मैंने लिया है अपने किचन के लिए। मेरा जो किचन है वो ड्राइंग रूम से ही अटैच है, तो एकदम से बाहर से दिखता है, तो मैंने इसीलिए वहाँ पे कर्टन लगाने की सोची है। तो मैं इस कलर का ही कर्टन लाई हूँ क्योंकि ड्राइंग रूम का जो कर्टन है उसका कलर और इसका कलर सेम है और दोनों सेम ही जगह लगने हैं, तो मैं सेम कलर के ही ग्रीन कलर, इसे मेहंदी कलर भी आप बोल सकते हैं, इस कलर का मैं लेके आई हूँ। और कुछ की है मैंने कुर्तियों की शॉपिंग, कुछ काफ़ी समय से शॉपिंग नहीं की थी तो सोचा चलिए कुछ कुर्तियों की शॉपिंग की जाए। तो ये मैंने एक पिंक कलर की कुर्ती ली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह की कुर्ती है, और ये कॉटन नहीं है, इसका इस तरह के आस्तीन में है ये। और एक ये कुर्ती है जो कि मैंने मंगवाई है मीशो से, मीशो एक ऐप है, मैंने उससे ये कुर्ती ऑर्डर की थी। ये रेयॉन का कपड़ा है, तो सेम ये कॉलर वाली ही कुर्ती है। एक कुर्ती मैं आपको और दिखाती हूँ, ये भी पिंक कलर की है और ये है फ्रॉक स्टाइल में, और ये कॉटन की कुर्ती है जो कि मैंने मार्केट से ही ली थी।
और एक मैंने मंगवाया है मॉल केक या ढोकला वगैरह, आप अगर कुछ भी बनाते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे पास ये नहीं था, मैं काफ़ी समय से इसे परचेज़ करने की सोच रही थी, तो सोचा चलिए क्यों ना परचेज़ कर लिया जाए। तो ये मैंने मंगाया है अमेजोन से। बस दिवाली आने वाली है तो मुझे लगता है सभी ऐसा करते होंगे कि धीरे धीरे शॉपिंग स्टार्ट कर देते होंगे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी शॉपिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी बालकनी के डेकोर के लिए परचेस किए हैं। ये मैं लेके आई थी सरोजनी नगर मार्केट से, मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे अच्छे लगे तो मैं लेके आ गई। तो जब भी मैं अपनी बालकनी का मेकओवर करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इन्हें कहाँ पर प्लेस किया है। ये लेकर मैं आई हूँ दिवाली पर हैंग करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इसे भी जब भी मैं हैंग करूँगी तो मैं अपने घर का जब भी होम टूर आप लोगों को कराऊँगी तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि मैंने ये सब चीज़ें कहाँ पर हैंग की हैं। सेम आप देख सकते हैं। तो बस यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी। तो अगर आप लोगों को ये शॉपिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बताइएगा कि आप लोगों को कर्टन कैसे लगे। अभी तो मैंने ये लगाए नहीं है घर पर, तो इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बट जब भी मैंने अपने घर में लगा लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरा आज का छोटा सा एक शॉपिंग का जो ब्लॉग था वो आप लोगों को कैसा लगा। अक्सर सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, हम दिवाली से पहले ही शॉपिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि एक साथ इतनी शॉपिंग पॉसिबल नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोगों को याद नहीं रहता। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब जो चीज़ दिखती है उसे परचेस कर लेती हूँ। तो आप लोग क्या करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक दिवाली के टाइम पर ही परचेस करते हैं या धीरे धीरे पहले से परचेस कर लेते हैं। तो बस यही मेरा आज का एक शॉपिंग ब्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी मुझसे हो पाता है, जैसा भी हो पाता है, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ अगर आप लोग उसे देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से मुझे जो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हर रोज़ मुझे एक नया वीडियो बनाना है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो देखना पसंद है, आप लोग किस तरह की DIY या फिर होम डेकोर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो सब चीज़ें बना पाऊँ। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।